कौन सा ऐसा घर का एरिया है जिसपे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है? किचन, वॉशरूम, हाँ, और अगर आपने पौधे वौधे लगाए हुए तो उनको मेरे तो क्या पौधे लगाए हुए तो आपको उनको खुद भी देखना हाँ. होता है, ये नहीं कि आपने मालिक ही उस पे छोड़ा. अच्छा, मेरा हाँ. जो है वो जो मेरी दीवार पे ऊपर जो विंडोज हैं जो मतलब खुलती तो नहीं है, खाली मिरर है लेकिन शीशा है, सॉरी ग्लास, लेकिन वो ऊपर है तो उनको ज्यादा मुश्किल होता है. और एक जो हमारे टेरिस है ना, दो हाँ. एक पे तो मेरी बिल्लियां अक्सर होती हैं, वो टेरिस साफ करना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल बहुत, क्योंकि मेरे घर के सामने ज्यादा घर नहीं बने हुए, तो खाली प्लॉट है और वो सी व्यू के करीब है तो हाँ. वो रेत और मट्टी वो बहुत बहुत ज्यादा आता है. और फिर वो जो लगता है ना, क्या कहते हैं उसको, काई, नमी की वजह से, जो नमी की वजह से जो बारीक वाली रेत चिपक जाती है, चिपक जाती है, वो बड़ा मुश्किल से होता है. अच्छा, लेकिन माशाल्लाह मेरे ख्याल में तो अच्छा है. सबसे ज्यादा जो होता है सिटिंग एरिया होता है जहाँ हम बैठते हैं, टीवी देखते हैं, वो वाला दिन और डाइनिंग रूम. अरे मुझे भी मौका दें बोलने का, मैं भी बताऊँ की कौन सी जगह है. हमारा माइक बंद कर दिया, वो शो के बाद करना. ब्रेक के दरमियान अभी हमने कितनी देर आपस में बात की, आधा घंटा. मेरे ख्याल में तो सबसे ज्यादा जो होता है सिटिंग एरिया जहाँ हम बैठते हैं, टीवी लाउंज होता है जगह, और डाइनिंग एरिया जहाँ आप खाना खाते हैं, ये सबसे ज्यादा मेन जगह होती है जहाँ खराब होती है. रूम्स वगैरह तो साफ ही रहते हैं, और किचन में आपने एक दो दफा देख लेना है बस.